कोरोना महामारी की सुनामी अभी फिर से आई हुई है। अभी के रिसेंट रिपोर्ट्स जो है वो बहुत ही भयंकर है। हमारे देश में करीब करीब रोज 1,60,000 से 70,000 नए मरीज कोरोना के डायग्नोज हो रहे हैं। स्पेशली महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्रा ये स्टेट ज़्यादा प्रभावित है और ये पूरे देश में फैलने का बिल्कुल ही चांस है। दिल्ली में भी बहुत आज एक ही दिन में 10,000 के ऊपर दिल्ली में भी कोरोना के पेशेंट्स डायग्नोज हुए। 23-24 मार्च 2020 को लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ और तब से लोग भुगत रहे हैं कोरोना को। अभी हुआ क्या है कि तब से हमें जो दिख रहा है वो कोरोना सिर्फ फेफड़ों के ऊपर कार्य नहीं कर रहा है, कोरोना सभी बॉडी के ऊपर काम कर रहा है, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। कोरोना का इफेक्ट ब्रेन पे भी आ रहा है। कितने सारे मरीज मैं भी देख रहा हूँ कि जिनको क्रॉनिक डिप्रेशन अभी आया हुआ है और उसका कारण कोरोना है। एक तो कोरोना का भय हुआ है, कोरोना होगा करके, या कोरोना उनको होकर गया है और फिर से कोरोना होगा ऐसा डर लगता है। अभी दो ही प्रकार के लोग हैं ये दुनिया में, एक तो कोरोना हुआ है या कोरोना होने वाला है। अभी उनको डर के मारे लोग जी रहे। वैक्सीन लिया है, वैक्सीन लिया मतलब कोरोना होगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद ने वैक्सीन लिया, दो डोज होने के बाद में भी थोड़े से लक्षण मुझे कोरोना के आए थे। थोड़े से लक्षण थे, मतलब ऐसी खांसी थी, थोड़ा बुखार जैसा लग रहा था ऐसा कोई, मगर टेस्ट नेगेटिव थी। तो कोई वैक्सीन से कोई फुल प्रूफ नहीं है वैक्सीन से कुछ होगा। इतना ही कि एटेन्युएशन हो जाता है, मतलब जैसा उसका प्रभाव जो है कोरोना का वो कम हो जाता है। और बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जहां वैक्सीन लेने के बाद में भी कोरोना हुआ और मृत्यु भी हो गई। ये जो डिप्रेशन का मैं भी बात कर रहा था, जिक्र कर रहा था, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अभी लोगों को क्या हो रहा है कि एक तो डर है कोरोना होगा, कैसा होगा, क्या होगा, पता नहीं, चिंता, और उसके साथ साथ उनको डिप्रेशन आ रहा है। डिप्रेशन में एक स्पेशली ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको सभी तरह की जांच करने के बाद में भी समझ में नहीं आ रहा है कि बीमारी क्या है। जैसा बॉडी एक्स है, पूरे बदन में दर्द होता है, अब लगता है तो कोरोना का भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है बिना कोरोना का। तो बॉडी एक्स होते हैं, नींद बराबर नहीं आती, निराशा है, ऐसा लगता है कुछ तो भी मिसिंग है, वही हो रहा है। एक साल हो गया अभी उसमें ही फंस रहे, अंदर जा रहे, नंदे पानी जैसे चलने जाए वैसे नहीं है। जो अमीर है वो अमीर बनते जा रहे हैं, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। आगे कितने दिन तक चलेगा ये भी समझ में नहीं आ रहा है किसको। सर्विस रहेंगी जाएंगी, बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो चिंता। तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अभी इसमें काउंसिलिंग ये बहुत अच्छा पर्याय है, मैं काउंसिलिंग करता हूँ लोगों को। हमने हील योर ओन माइंड बाय हिप्नोटिज्म ये वर्कशॉप का आयोजन किया हुआ है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपका माइंड कैसा प्रभावी करे ताकि ज़िंदगी में आने वाली कोई भी कठिनाई है उसका सामना कैसा करें। ये डिप्रेशन जो है ना उसमें मूड ठीक नहीं होना, रोना आना, नहीं ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो उत्साह नहीं है, जोश नहीं है, जुनून नहीं है, खाने की इच्छा होती नहीं है। अच्छा टेस्ट किया तो टेस्ट नेगेटिव है कोरोना की, ऐसा नहीं कोरोना है भाई, बुखार नहीं है, और बाकी भी टेस्ट यदि करते हैं तो वो भी नेगेटिव है। तो ऐसे डिप्रेशन के शिकार बहुत लोग हो रहे हैं। कुछ लोगों में अभी ब्रेन इफेक्ट होने से जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है वो भी ज़्यादा है। अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम है, ख्याल नहीं देना, एक जगह ख्याल नहीं रहना, फिर थोड़ी याददाश्त थोड़ी कम हुई ऐसा लगना, भुलक्कड़पना लगना, उत्साह नहीं है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब कहाँ है अपन, ऐसा उनको लगता है ना, कहाँ, फिर याद आता है अच्छा यहाँ है क्या, मतलब ओरिएंटेशन टू प्लेस जो है उनका चले जाता है। कुछ लोग एकदम कंफ्यूजन में चले जा रहे हैं, कंफ्यूजन मतलब उनको मालूम ही नहीं कि दिन है कि रात है और पता नहीं क्या हो रहा है, तो समझ में नहीं आता है, कभी कभी पहचानते कभी नहीं पहचानते, रिपोर्ट्स नॉर्मल है और भी ठीक हो जाते हैं। अभी वो एपिलेप्सी हो रही है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि एपिलेप्सी है। कुछ लोगों को बार बार कोरोना ऐसे विचार आके इतने रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स आ रहे कि बस उनको लगता है कि भाई इससे मर गया तो अच्छा है। तो एक दो लोगों ने अटेम्प्ट भी कर लिया सुसाइड का।
तो इस तरह के डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रहे हैं, एंग्जाइटी के प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे हैं, इसमें मेडिसिन हम देते हैं। मेडिसिन से फ़ायदा बहुत अच्छा हो जाता है, उसके साथ साथ यदि आप हिप्नोथेरेपी करते हैं, हील योर ओन माइंड बाय हिप्नोथेरेपी, हमारा वर्कशॉप है ये कर लो, CBT है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा और आप मुक्त होके जीवन जिएंगे। कौन नहीं चाहेगा कि भाई ये चिंता घबराहट बेचैनी सब फ्री हो जाए, चले जाए, निकल जाए, कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस ही जीवन जी सकेंगे, ऐसा कौन नहीं जाएगा, सभी जाएंगे, मगर कॉन्फिडेंस ही नहीं लोगों को आ रहा है, कुछ करने में हिचकिचाहट हो रही है और उसमें फिर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई पॉलिटिकल सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रही है, कोई समाज सपोर्ट नहीं कर रहा है, लोगों लग रहा है कि अपन अकेले पड़े, कोई काम में आने वाला है नहीं, चलते फिरते कुछ अपने इर्द गिर्द के लोग चले गए कोरोना से, तो बहुत ही इनसिक्योरिटी का भी फीलिंग हो रहा है। तो इसमें हमने काफ़ी सारे वेबिनार्स का आयोजन किया हुआ है, हमारे काफ़ी सारे वेबिनार्स चालू रहते हैं, फ्री वेबिनार्स है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वेबिनार की लिंक आपको मिलती है, आप ज्वाइन होते जाइएगा, मैं यूट्यूब पे वो लिंक डालते रहता हूँ जब जब फ्री वेबिनार्स होते हैं, तो और बाकी जो पेड वेबिनार्स है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।